हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे अपना मसाला पराठा। वैसे तो हम अपने पराठे के अंदर बहुत सारी स्टफिंग डालते हैं, हम आलू की, पनीर की, गोभी की, बहुत तरीके की स्टफिंग हम यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम अपने पराठे में अपने मसाले को स्टफ करेंगे। यानी कि जो घर में यूज़ होने वाले बेसिक इन्ग्रीडियंट्स हैं, यानी कि जो बेसिक मसाले हम यूज़ करते हैं, उन्हीं मसालों को हम यूज़ करके अपने पराठे को बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये पराठा खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसकी सबसे खास बात कि इसके साथ किसी भी सब्जी की जरूरत नहीं है। आप इस पराठे को दही के साथ या चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं और आप इसको ट्रेवल टाइम में भी ले जा सकते हैं। ये पराठा आप बच्चों को टिफिन में डाल के दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे मसाला पराठे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मसाला पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी लिया है। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लिया है। यहाँ हमने दो पराठे के हिसाब से आटा लिया है। एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने बारीक कस लिया है। एक हरी मिर्ची, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। एक टेबल स्पून कसूरी मेथी और मसालों में हमने एक टी स्पून गर्म मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, दो टी स्पून अनारदाना पाउडर, एक चुटकी हींग, हाफ टी स्पून अजवाइन, एक टी स्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और हाफ टी स्पून हमने मोटर सौंफ ली है जिसको हमने दरदरी पीस लिया है। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे अपने पराठे को बेलने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले अपना एक ऐसा छोटा सा बॉल लेंगे और उसके अंदर हमारे जितने भी ये सूखे मसाले हैं इसको डालकर मिला लेंगे। पॉइंट डाल लेंगे, हींग डाल लेंगे, हींग का भी स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। अनारदाना पाउडर, अगर आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं है तो आप इसमें हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर और सौंफ। और हमारी जो ये कसूरी मेथी है इसको भी अपने हाथ पर मसल कर हम इसी में डाल लेंगे। और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। ये मसाला हमारा दो पराठों के हिसाब से हमने बनाया है। अब हमारा ये मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम अपना पराठा बेलते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक लोई बना ली है। अब हम इसको अपने सूखे आटे के अंदर ऐसे लपेट लेंगे और उसको थोड़ा सा बेलेंगे। इतना ही हमने बेलना है। अब हम इसके अंदर अपना थोड़ा सा घी लगाएंगे और अपना जो हमने ये सूखा मसाला डाला बनाया था इसको अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से डालेंगे। आप देख सकते हैं हमने अपना मसाला अच्छे से इसमें डाल लिया है। अब हम अपना ये जो हमने अदरक कस के रखा था थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। अदरक और हरी मिर्च का स्वाद इस पे बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कभी ये कसूरी मेथी ना हो तो आप कसूरी मेथी की जगह आप इसमें फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा हम अपना ऐसे ही सूखा आटा लेंगे और उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे और अब हम इसको बंद कर देंगे। इसको ऐसे करेंगे, फिर एक बार गोल कर लेंगे इसको और अब हम इसको एक बार और आटे में इसको लपेट कर अब हम इसको फाइनली बेल लेंगे। इतने में अपना ये पराठा तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इतने मैंने अपना गैस पे तवा रख कर भी गर्म कर लिया है। इसको हम बेल लेंगे। हमारा पराठा बेलकर तैयार हो गया है। अब हम अपना तवे पर इसको डालेंगे। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। थोड़ा सा हम इतना इसमें पहले
ऑयल लगा देंगे और अब हम अपना ये जो पराठा है इसको डाल देंगे। बस हम इसको थोड़ी देर के बाद ही इसको हम अपने पराठे को पलट लेंगे और इसको थोड़ा सा जब ये पीछे से भी सिक जाएगा तब हम इस पे अपना घी लगाएंगे। फ्रेंड्स, जब हमारा पराठा पीछे से भी ऐसा हो जाएगा तब हम अपने पराठे पर घी लगाएंगे। देसी घी में जब हम ये पराठा सेकते हैं तो ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है। एक ही साइड हम इसमें घी लगाएंगे और इसको सेक लेंगे। अब दूसरी साइड पर पलट लेंगे इसको और इसको हम बिल्कुल अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, बस आप पराठा सेकते वक्त एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल चारों तरफ से पराठे को अच्छे से सेकें, कहीं से भी ये कच्चा ना रहे। और अपनी गैस की फ्लेम को अब आप मीडियम कर लीजिए और इसको अच्छे से सेक लीजिए। इससे आपका पराठा जलेगा नहीं और अच्छे से सिक भी जाएगा। दबाकर आप इसको अच्छे से सेक लें। आप देख सकते हैं हमारा ये पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको अपनी प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा पराठा बनाएंगे। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पराठा बना लेंगे। थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। जब फ्रेंड्स हम इसमें अंदर थोड़ा सा घी लगाते हैं, इस तह पे अगर जब घी लगाते हैं तो हमारा पराठा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस पराठे को आप बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा ये पराठा मोटा ही बेला जाता है। अब हमारा ये पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको भी हम सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को हम अपनी मीडियम कर लेंगे। हम एक बार अपने पराठे को पल ऐसे देख लेंगे, जब ये ऐसा हो जाए तब हम इसको पलट लेंगे। गैस की फ्लेम को फुल कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने जब अपना पहला पराठा सेका था तो हमने अपने तवे पर ऑयल लगाया था। ऑयल लगाने का रीजन यही था कि जिससे हमारा जो तवा है वो चिकना हो जाए। अब हम अपना ये देख लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ये पराठा ऐसा हो गया है। अब हम इस पे अपना ऑयल लगा देंगे, यानी कि देसी घी लगा देंगे। इसको पलट लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं जब हमारा आटा सॉफ्ट होता है तो हमारे पराठे बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। इसको हम पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को अब आप बिल्कुल मीडियम कर लीजिए, जिससे आपका पराठा अच्छे से सिक भी जाएगा और ये जलेगा भी नहीं। बस हमारा पराठा कहीं से भी बस कच्चा नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं ये पराठा कितने अच्छे से चारों तरफ से ये सिक गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक गया है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा ये पराठा मसाला पराठा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसको अपनी ठंडी दही के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे ये पराठे में जो मसाले की लेयर है वो कितनी अच्छी आई है। खाने में ये बहुत स्वाद लगते हैं। इसको आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमेशा हमारे घर में ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मसाला पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।